मोदी राज में देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। देश में चुनिंदा लोगों को छोड़कर या यूं कहें कि बीजेपी के करीबियों को छोड़कर हर किसी की हालत खस्ता है और विपक्ष की तरफ से यह आरोप अक्सर ही लगते हैं, लोगों की आय घटी है तो दूसरी ओर महंगाई बढ़ गई है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या बोले राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावों के बाद से देश में महंगाई का ग्राफ सिर्फ ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मोदी सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि चुनाव से पहले महंगाई पर ब्रेक लगाने की कोशिश हुई और अब चुनाव होते ही एक बार फिर खाने पीने से लेकर ईंधन हर चीज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार की इसी धोखेबाजी और वादा खिलाफी वाली नीयत पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और कांग्रेस देश भर में महंगाई के खिलाफ अभियान चला रही है। बीते दिन जहाँ दिल्ली के विजय चौक पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को घेरा गया, तो आज राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंचे और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। दो दिवसीय दौरे पर राहुल ने कहा कि कर्नाटक सरकार सबसे भ्रष्ट है, भाजपा का उद्देश्य गरीबों से पैसे छीनना और उन्हें अमीरों को देना है, वो राष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं, लेकिन हम अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों को उठाना चाहते हैं, हम राष्ट्र को एकजुट करना चाहते हैं। कांग्रेस को आगामी चुनावों के लिए युवाओं और महिलाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में बढ़ रही महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है और सरकार को घेर रही है। ऐसे में कर्नाटक में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने पार्टी के लिए 150 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया। बता दें कि इस वक्त कर्नाटक सरकार के खिलाफ राज्य में माहौल गर्म बना हुआ है, क्योंकि यहां एक के बाद एक कई विवाद उठ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का चुनाव अभियान शुरू करना बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है और पार्टी को अगले चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।